एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, आई होप आप लोग सब लोगों ने एटलीस्ट एक एक बार सारा सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, रिविजन ही थोड़ा बहुत बचा होगा। तो उन रिविजन के टाइम पर आप यहाँ पर मैं 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए, जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और इस साल भी आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चंस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ें नहीं पढ़े, बाकी चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़नी है, लेकिन ये जो 7 क्वेश्चंस हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि ये आ सकते हैं, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स में से जो है मैंने ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, पूरा प्रॉपर शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में आप पहले बताएंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं इंडिया में कितने हैं। इंडिया में जैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेन जो हैं 2 है, NSE और BSE, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डेटा लिखेंगे कि वो स्टैब्लिश कब हुए थे। सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पूरा शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट देखिए, ट्राई करिए कि आप पैराग्राफ में लिखें, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स वाले भी आप हेडिंग्स डालिए। ठीक है, जैसे NSE BSE पर आप अगर लिखेंगे तो वो आप पॉइंट्स में लिखिए। जितना ज़्यादा पॉइंट्स में आंसर्स लिखेंगे उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव दिखता है और इजी टू चेक रहता है, तो जो चेकर रहता है उसको सिस्टमैटिक आंसर लगता है वो। ठीक है, तो ट्राई करिए कि जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप पैराग्राफ प्लस पॉइंट्स करके लिखिए, और जो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स वाले नहीं हैं उनको तो आप पॉइंट्स में लिखने का ही ट्राई करिए। फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाइए, उसे और अट्रैक्टिव आपका जो है आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके रहते हैं अच्छे मार्क्स गेन करने का। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको मीनिंग लिखना है उसका, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में लिखना है, क्या सिस्टम रहता है। आप इसमें एक और चीज़ लिख सकते हैं, ऑफलाइन ट्रेडिंग वर्सेस ऑनलाइन ट्रेडिंग। जैसे अभी हम लोग जो है पूरा डीमैट सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम पर आए हैं, तो पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज का मेन काम क्या होता है, किसी को सिक्योरिटीज़ खरीदनी है तो वो खरीद पाए, किसी को सिक्योरिटीज़ बेचनी है तो वो बेच पाए। कैसे प्रोवाइड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको, एक मार्केट प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को लिक्विफाई भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। तो बेसिकली यही सब आपको जो है प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। देखिए मार्क्स, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से अपने आंसर की लेंथ डिसाइड करिए। इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप जितना स्कोर कर रहे होंगे उससे 10-15 मार्क्स ज़्यादा ही स्कोर करेंगे, अगर आपने प्रेजेंटेशन पर अच्छा ध्यान दिया तो। तो ये अपन ने बात करी पहले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट मतलब क्या, बोरोड फंड रहता है, इक्विटी मतलब ओनर्स फंड रहता है। डेट के सोर्सेज कौन कौन से रहते हैं, इसमें आ जाएगा आपका बैंक लोन आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएगा, ट्रेड क्रेडिट आ जाएगा। ओनर्स फंड में 3 सोर्सेज होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स, ADR, GDR, IDR भी लिख सकते हैं। तो आपको जो है प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करना है डेट इक्विटी को। डेट इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि डेट जो है उसका इंटरेस्ट पेमेंट कंपलसरी रहता है, इक्विटी का ऑप्शनल रहता है। तो इस तरीके से कोई डिफरेंस बिटवीन आपको बुक में ईजिली टेबल फॉर्म में मिल जाएंगे। अब जो डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन रहते हैं बहुत स्कोरिंग रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि आपको उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना पड़ता। आप टेबुलर फॉर्म में अगर लिखेंगे, समझो आपका 10 मार्क का क्वेश्चन, अगर आपने 10 डिफरेंस बिटवीन लिख दिए, ठीक है, तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। आपको इजीली जो है 8 से 10 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने सारे पॉइंट्स सही लिखे हैं। ध्यान देना है आपको डिफरेंस बिटवीन में बेसिस का कॉलम ज़रूर बनाना है कि किस बेसिस पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, जैसे पहला बेसिस आप रखेंगे मीनिंग, तो उसमें दोनों का मीनिंग लिखेंगे। फिर दूसरा आप उसमें टाइप्स लिखेंगे, दोनों के टाइप्स लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको बेसिस का कॉलम ज़रूर बनाना है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड फॉर्म में नहीं, आपको वो 10, अगर आपने 10 डिफरेंशिएट बिटवीन लिख दिए, आप खुद सोचो अगर आपको कोई टेक्स्टुअल क्वेश्चन आता है 10 मार्क का, तो आप उसमें एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस तो लिखोगे ना, लेकिन डिफरेंस बिटवीन आपके 10 पॉइंट इजिली 2 पेज में कवर हो जाएंगे। तो काफ़ी स्कोरिंग रहता है। तो ट्राई करा करो कि देखो चॉइसेस बहुत आती है BU के पेपर में, तो आप ट्राई करिए कि आप डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो कम टाइम में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और ज़्यादा स्कोर आपको मिल जाता है उसमें। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एंड म्यूचुअल फंड्स। इन दोनों पर शॉर्ट नोट आ सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, इन सबकी डिटेल वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन के लिए हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवील करने आई हूँ, बस दैट्स इट। ठीक है, बाकी इन सब की जो डिटेल है वो अपन लोग ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यूनिट वाइज वीडियोस बने हुए हैं
टॉपिक वाइज वीडियोज़ बने हुए हैं, आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को रेफर करिए फॉर डिटेल्ड नोट्स, ठीक है। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, जो ये बताती है कि किसी स्टॉक का रेटिंग क्या है, किसी स्टॉक में कितनी रिस्क है, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो खुद से रिसर्च करके अपना जो है इंटरप्रिटेशन बताते हैं पूरा कि किसी भी स्टॉक को खरीदने में आपका कितना रिस्क है, क्या उसका GNPA है, बहुत सारी चीज़ें वो आपको रिवील करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। म्यूचुअल फंड्स एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, जो आप स्टॉक्स मतलब जैसे कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस रहते हैं जो लोगों से पैसा लेकर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग इनडायरेक्टली अगर मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड जो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक प्लान के हिसाब से भी कर सकते हो, SIP बोलते हैं, जिसको हर मंथ आपका अकाउंट से कुछ 500 to 1000 रुपीज़ जितने का भी आपको जो है SIP करना हो तो वो भी म्यूचुअल फंड्स में आप लिख सकते हो। म्यूचुअल फंड्स को आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाना है, देखो जिसको फाइनेंस की ऑलरेडी नॉलेज रहती है ना इन्वेस्टमेंट वगैरह की, वो ये पेपर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है आप इसकी बुक्स लेकर ही पढ़ो, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपके पास है तो आप इजीली इस पेपर को बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, आप लाइव एग्जांपल्स लिख सकते हो उसमें। जैसे मैं भी आपको जो बता रही हूँ चीज़ें वो मैं बुकिश नॉलेज नहीं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बुकिश नॉलेज जो है वो आपको बुक्स में इजीली मिल जाएगी, मैं यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना कॉमर्स बैकग्राउंड, अपने टीचर होने का जो फ़ायदा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मैं दे रही हूँ, ठीक है। जितना भी लाइव एग्जांपल्स हैं, जो भी हम लोग आजकल मार्केट में देखते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह, उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स दे दे के पढ़ाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस सब्जेक्ट का नाम है, आप किसी भी सिक्योरिटी को एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हो ना, अगर आपके जेब में 10,000 रुपये, आपको जो पहला स्टॉक देखेगा आप उसमें थोड़ी इन्वेस्ट कर दोगे, आप चीज़ों को जो है एनालिसिस करोगे किस बेसिस पे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कंपनी अपने फंड्स जो है कहाँ इन्वेस्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करती है, तो ऐसे आपको एनालिसिस के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपका आता है 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में तो उतने ही आपको पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट आपके दो टाइप के होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप डील करते हो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के साथ, जो कि जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा में होती है, जैसे शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया। मनी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर आप डील करते हो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के साथ, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ मतलब जिसका मैच्योरिटी 1 साल से कम में रहता है। तो यहाँ पर कई बार आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं सेम टॉपिक से, एक तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, दूसरा मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में क्या जाएगा, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ठीक है, कॉल मनी आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक्सप्लेन करने, तो इन दोनों में से कुछ एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये टॉपिक एक है, इसके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने आपको दोनों पॉसिबल क्वेश्चंस बता दिए। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ करके करते हैं कि उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो पोजिशंस क्या है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसका नेट वर्थ कितना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर जो एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। वहीं अगर मैं ग्राफ्स वगैरह के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू जो है कंपनी का फ्यूचर डेटा प्रिडिक्ट करूं, उसको मैं बोलती हूं टेक्निकल एनालिसिस का। डिफरेंस बिटवीन, देखो अगेन ये डिफरेंस बिटवीन का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप टेबलो फॉर्म में इजीली ले सकते हैं। सेम गोल फॉर बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। बुल मार्केट बेयर मार्केट का भी डिफरेंस बिटवीन जो है आप टेबलो फॉर्म में विद बेसिस अगर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे, मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन पर फोकस करने के लिए कहा है, बाकी इन सब के जो डिटेल है वो हमारे दूसरे वीडियोज में बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये 7 क्वेश्चंस तो हैं इंपॉर्टेंट, प्लस मैं आपको 2 और बोनस क्वेश्चंस बताने वाली हूँ यहाँ पर। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा रीसेंट डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट, ठीक है। ये 2 और 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दी 7 क्वेश्चन। तो यहां पर मैंने आपको टोटल 9 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं और बाकी सारे टॉपिक्स को भी आप अच्छे से पढ़कर जाएं, ठीक है। जितना हो सके बुक रीडिंग करिए, बुक रीडिंग से आपको जो है वो टर्मिनोलॉजीज दिमाग में आएंगे और उतना ही आप अपना आंसर अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। फ्लो चार्ट्स बनाइए आंसर्स में जितना हो सके, ठीक है, और मार्क्स को देखते हुए आप आंसर शीट भरिए, ठीक है। आंसर शीट में ऐसा है कि आपको कुछ भी नॉनसेंस नहीं लिखना है, जो भी आप लिखेंगे वो प्रॉपर एकदम बुकिश लैंग्वेज मतलब बुक्स की लैंग्वेज में लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको लिखना है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी आपको फाइनेंस वाली यूज़ करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।